कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मित्रों, आज एक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को होने के विषय में समझाने का प्रयास करेंगे। लोग कहते हैं कि होने अर्थात भावी बड़ी प्रबल होती है और उसे टाला नहीं जा सकता। इस प्रसंग में रामचरितमानस में भी बड़ा सुंदर उल्लेख किया गया है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिहस कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अर्थात जो भावी होती है, विधि का विधान होता है, होनी होती है, उसे टाला नहीं जा सकता और वह होकर ही रहती है। मित्रों, कहानी में प्रवेश से पहले आप लोगों से मेरी विनती है, प्रार्थना है कि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कहानी को अंत तक सुनेंगे तभी आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि होनी क्या होती है और किस तरह से घटती है, कैसे हम होनी पर क्या हमारा काबू है, हम कुछ कर सकते हैं। वास्तव में होनी को और कोई अलग से बन के नहीं आती, वह हमारे कर्मों का ही प्रतिफल होती है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसी ही होनी भी बनती है, परंतु जरूरी नहीं कि आज के ही कर्म फलीभूत हो रहे हों। तो देर न करते हुए मित्रों, आइए हम कहानी पर चलते हैं। एक बार यमराज के यहाँ सभा का आयोजन हुआ था जिसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया था और यमराज बैठे हुए थे। देवतागण आ रहे थे और वहाँ एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक कबूतर बैठा हुआ था और अचानक यमराज की निगाह उस कबूतर पर पड़ी और वे ठहाका मारकर हंस पड़े। कबूतर ये सब देख रहा था, उसे यमराज का हंसना बड़ा आश्चर्यजनक लगा। वह मन ही मन विचार करने लगा कि मृत्यु के देवता हैं और ये मुझे देखकर हंसे, इसमें कुछ न कुछ राज अवश्य होगा। यह सोच करके वह कबूतर घबरा गया, चिंतित हो गया और बड़ा परेशान था। तभी भगवान के वाहन गरुड़ जी भी उस सभा में आ रहे थे। उन्होंने कबूतर को देखा, वह बड़ा चिंतित और उदास था। अब चूंकि गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं,
और अपनी प्रजा कबूतर को देखा तो बड़ा चिंतित और उदास दिखाई दे रहा था। वह उसके समीप गए, उससे पूछा, तुम क्यों चिंतित हो, क्यों परेशान हो? उसने सारी बात बताई कि अभी मैं बैठा हुआ था और यमराज ने मुझे देख करके हंसा और ये मृत्यु के देवता हैं, इससे मैं भयभीत हो गया हूं। गरुड़ जी ने कहा कि देखो, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना का, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना सुरक्षित कर दूंगा कि मृत्यु तुम्हारे पास तक फटकती नजर नहीं आएगी। और गरुड़ जी उस कबूतर को अपने पीठ पर बैठाया और ले गए सात समुंदर पार और एक गुफा के अंदर जो कि काफी सकरी और लंबी थी, वहां उस कबूतर को बैठा दिया और पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं उस गुफा के मुंह पर रख करके उसके द्वार को बंद कर दी। अब वह कबूतर भी निश्चिंत था और गरुड़ जी भी संतुष्ट हुए कि मैंने अपने कर्तव्य पूरा कर दिया, और पुनः हेमराज की सभा में आए। और जब गरुड़ जी आए तो यमराज उनको भी देख करके हंस पड़े। अब गरुड़ जी ने प्रश्न कर दिया कि आप थोड़ी देर पहले कबूतर को देखकर हंसे थे, आप मुझे देखकर हंस रहे हैं, क्या बात है आप बताइए। तब यमराज ने कहा कि इस कबूतर की मृत्यु में केवल दो घड़ी शेष थे और वह भी सात समुंदर पार इतनी दूर एक गुफा के अंदर जहां पहुंचना बड़ा दुष्कर कार्य है, और दो घड़ी के अंदर इसकी मृत्यु होनी है और ये मेरे सामने बैठा हुआ है, तो इसकी मृत्यु किस तरह से हो गई ये सोचकर मुझे हंसी आ गई थी, परंतु आपको देखकर हंसी इसलिए आई कि जो विधि का विधान होता है वैसी ही व्यवस्था बन जाती है। मैं ये सोच ही रहा था इसी मृत्यु किस तरह से हो, परंतु मेरा काम आपने आसान कर दिया। आप ले जाकर के उसको जहां मृत्यु होनी थी उस जगह पहुंचा दिया। अब तो गरुड़ जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले, मैं अभी देख कर आता हूं। और वहां से वायु वेग से उड़े और जाकर के गुफा के द्वार को पत्थर की शिलाओं को हटाया और खोल करके जब अंदर जाकर के देखते हैं तो उस कबूतर को एक बिल्ली ने तोड़ मरोड़ करके रक्तरंजित करके मार डाला था और उसके शरीर के अवशेष ही शेष थे। और गरुड़ जी ये सब देख करके पुनः यमराज की सभा में आए और तब बताया कि आपने ठीक ही कहा था, उस कबूतर की मृत्यु हो चुकी है। तो मृत्यु एक अटल सत्य है, हानि लाभ जीवन मरण हमारे आपके बस में नहीं है,
सत्य का विचार करते हुए। मित्रों, हम सभी को सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों से ही भाग्य बनता है। अगर हमारे कर्मों से भाग्य ना बनता तो स्वामी विवेकानंद क्यों कहते, तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। अगर हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं तो यह सत्य बात है कि वह भाग्य हमारे कर्मों से निर्मित होता है। अब ये पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही भाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनका फल हमें आज मिलता है। और अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, उन सारे कर्मों का, शुभ अशुभ कर्मों का, जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य बनेगा, उसका फल हमें आगे मिलेगा। अतः मित्रों, निवेदन है, जीवन में सदैव सत्कर्म का आचरण करें, ताकि हमारा आपका जीवन सदैव मंगलमय रहे और जो होना होगा वह तो होगा ही। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके चिंताग्रस्त जीवन न बिताएं, सदैव पॉजिटिव रहें और सत्कर्म में लगे रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।